हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो जनरल केमिस्ट्री का रहेगा, चाहे आप नाइन्थ क्लास में हो, टेंथ में हो, इलेवंथ में हो, ट्वेल्थ में हो या बीएससी में हो, यानी किसी भी क्लास में हो। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, अणुभार कैसे निकालते हैं, तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज। अणुभार और तुल्यांक की भार में क्या अंतर होता है, ठीक है, संयोजकता कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या हम किसी भी तत्व की कैसे हम पता कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि मैं केमिस्ट्री की पढ़ा रहा था विलयन, तो वहां पर काफी सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जहां पर आपको पता ही नहीं है कि मोलों की संख्या कैसे निकलती है, तुल्यांक की भार कैसे निकलता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकलती है। तो वो सारी चीज, वो चैप्टर्स आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, इसलिए ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं और तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंटर की केमिस्ट्री में भी लगता है और 11वीं और 9th में भी लगता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसी कड़ी में हम पहला वीडियो आपको लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, देन इसके बाद में हम कराएंगे संयोजकता कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद में कराएंगे तुल्यांक की भार, अणुभार ये कैसे निकालते हैं। तो हर चीज को बहुत बारीकी से समझना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो ऑफबाउ नियम से करते हैं, ठीक है, और कई सारे नियम है, N+1, बाहुली का अपवर्जी नियम, पाउली का अपवर्जी नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल इससे हो जाता है, ठीक है, सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके नियम से होता है, ऑफबाउ नियम से। अब आप कहोगे सर ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं, यहां से समझ लो ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं है, ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है। देखिए ऑफबाउ नियम आपने देखा होगा, लिखते हैं हुंड का नियम, ठीक है, हुंड का नियम, या आपने देखा होगा न्यूटन का नियम, तो इसका मतलब देखो यहां से पता चल रही है न्यूटन का नियम, यानी कि ये न्यूटन का नियम है, न्यूटन कोई वैज्ञानिक होगा उसका कोई नियम है, लेकिन इसके बीच में का नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एक शब्द है, क्या है ये ऑफबाउ, ये क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है, तो कॉम्पिटेटिव के लिए समझ में आ गई हमारी किस भाषा का, जर्मन भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका हिंदी में अर्थ होता है रचना करना, या आप निर्माण करना, या निर्माण होना, या एक एक करके जोड़ना, या एक एक जोड़ना, या एक एक करके भरना, ये इसका हिंदी में वर्जन है, हिंदी में रूपांतरण है, ठीक है, चलिएगा। इसका अर्थ देखिए, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रॉन को देखिए, आपने देखा होगा अणु परमाणु उनमें कैसे बहुत सारे कोष उपकोष होते हैं, आप जानते हो कक्षक होते हैं, ठीक है, और कक्षकों में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है, ये सारी चीज आप जानते हो, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, ये एक परफेक्ट संख्या होती है, इतने ही, पहली कक्षा में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो ही आएंगे, दूसरी में दो, आठ, आठ आ सकते हैं, इस तरह से भरा जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को जरा ध्यान से समझते हुए ये ऑफबाउ नियम बनाया गया, इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष या कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में प्रवेश करेगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले में। तो यही चीज, हम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में, कम ऊर्जा वाले कक्षक कह दो या आप कोष कह दो या आप उपकोष, ठीक है ना, वैसे हालांकि सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो चीज हम अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले में, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले में जाएगा। आप यदि देखा है, यदि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, जीना चढ़ रहे हो, तो सबसे पहले पहली सीढ़ी पर कदम रखोगे, दूसरी पर, तीसरी पर, चौथी पर, फिर आराम से पहुंच जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि पहली पर कदम रखा सीधे अंतिम सीढ़ी पर कदम रख दोगे, नहीं, हाथ पंप टूट जाएंगे, हाथ में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो वही काम यहां पर है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, देन उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करता है, इतना नियम, इतने इससे सिंपल कहीं पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये ऊर्जा के
कक्षक का क्रम हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से कक्षक की ऊर्जा कम है और कौन से कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, ये भी यही नियम बताएगा। ये नियम कैसे बताएगा, इसके लिए एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाना सीख लो, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगी कि किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है, तो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम कैसे बनाना है, ट्रिक से बनाएंगे। देखिए डायग्राम रटोगे तो कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन ट्रिक से हम समझाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, 7 गोले बनाने हैं। कितने गोले बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक में यहां पर कर दे रहा हूं 7, ये 7 गोले बना दिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक ऊपर से छोड़ दो, 6 गोले बना दो। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 गोले बना दिए। अब ऊपर से भी एक छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो, ठीक है। तो यहां पे 1, 2, 3, 4 गोले, फिर एक एक छोड़ दो ऊपर नीचे से, फिर 1 और 2, ये गोले बनाने हैं। समझ में आई बात, सबसे पहले 7 गोले बनाओ, फिर ऊपर से एक छोड़ दो 6 बना दो, फिर ऊपर से और नीचे से एक छोड़ दो 4 बन जाएंगे, फिर ऊपर से और नीचे से फिर एक छोड़ दो फिर 2 बनेंगे, ठीक है। चलिएगा, ठीक समझ में आई बात, चलिएगा। पहले आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 हो जाएगा। यहां से आपका क्या है, ये देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका, ठीक है। इसके बाद ध्यान से बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, ठीक है। फिर यहां से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर यहां पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6, यहां पर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 और 5, बस इतने बना दीजिए, ठीक है। अब हमारा सबसे पहली चीज जरा ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास में कितने उपकोष होते हैं, SPDF, यही है ना। तो यही चीज लिखेंगे, पहले में आप क्या लिखेंगे, पहले में आप लिख दीजिएगा, पहले में SS लिख दीजिए, SS, इसमें लिख दो P, 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 ये D, D, D और D, इसमें लिख दो F और F, इतना काफी है। समझ में आई बात, पहले में SS, दूसरे में PP, तीसरे में DD, चौथे में FF, ठीक समझ में आई बात, चलिएगा। अब हमको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से समझेंगे, हमको इनको क्या करना है, इस तरह से क्रॉस बनाना है ऐसे, ठीक है। ये बना दिया, ठीक है, ये इस तरह से क्रॉस जोड़ते चले जाइए इसको इससे, ठीक है। ये क्रॉस क्रॉस बनाना है, बिल्कुल क्रॉस इस तरह से, ठीक है। लाइन पैमाने से देखोगे तो एकदम बहुत सुंदर दिखाई देती है ये लाइन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। क्रॉस बनाना है आपको इस तरह से, ठीक है, ये क्रॉस बनाना है, ध्यान समझ लीजिएगा, क्रॉस बनाना है, ठीक, ये क्रॉस ही बनाना है और नहीं करना है कुछ भी, ये क्रॉस ऐसे करके क्रॉस बना देना है। यहाँ पे एरो बना दीजिए, ठीक है, दिल चीर दो इनका, ठीक है, ये देखो ये सब बन गए। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको इसका इसका तीर इसके पीठ से जोड़ दो ऐसे करके, ए ऐसे, ये ऐसे जोड़ो, ए ऐसे, जुड़ गया ना, जुड़ गया एकदम, बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा बहुत इजी गोइंग चल रहा है ना काम एकदम, ये देखिएगा बहुत सिंपल, अति सुंदर, ऐसा आप कर लोगे, ओके 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 ओके, ये बन के तैयार हो गया आपका। देखिएगा कैसे आपका क्या बन के तैयार हुआ है, ऊर्जा के निम्न ऊर्जा और उच्च ऊर्जा के कक्षकों का निर्माण हो गया, कैसे देखिएगा। सबसे पहले यहां से शुरुआत करेंगे, स्टार्ट और यहां पर आके फिनिश, यहां पर आके फिनिश हो जाएगा, देखिएगा कैसे आपका सबसे पहले क्या आ रहा है, 1s आया, 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, 2s की, 2s से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, 2p की, 2p से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, 3s की, 3s से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, 3p की, और 3p से बाद में 4s, और 4s के बाद में, 4s के बाद में सीधे यहां पहुंचेगा 3d, और 3d के बाद में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, 4p की, और 4p के बाद में किसकी है, 5s की, और 5s के बाद में किसकी है, 4d की, 4d के बाद में किसकी है, 5p की, और 5p के बाद में किसकी है, 6s की, 6s के बाद में किसकी है, 4f की।
और आप इसी क्रम में आगे तक बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे, 7 PPM आप काम खत्म, इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं। बाकी तो बनाते तो और भी चले जाओ, लेकिन कोई फायदा नहीं, इतने से ही काम हो जाएगा। पूरी केमिस्ट्री आपकी BSc या MSc तक की केमिस्ट्री केवल इतना, यदि आपको रिसर्च करनी है तो ये इनको गोलियों को और ज्यादा आगे बढ़ा दो, ठीक है। आपको रिसर्च नहीं करनी, साइंटिस्ट नहीं बनना, दुनिया का नंबर वन केमिस्ट्री का ज्ञाता नहीं बनना, केवल इतना है, इंटर पास करोगे, BSc करोगे, MSc करोगे, PhD तक कर लोगे तो इतना काफी है, ठीक है, चलिएगा, आपका इतना काफी है। तो ये चित्र बनाना सीख गए, ये चीज बनाना सीख गए, इनसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आपने नियम सीख लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा इजी और इससे ज्यादा अच्छा लैंग्वेज नहीं मिलेगी कहीं पर भी, ठीक है। बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है।